पहले होई प्रणाम तिनु नमो जो यागे हो सतगुरु ताने बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान ए वो दिन मुजरे जान एक मिनट ए वो दिन मुजरे जान बाकी उम्र गवा दई बिना भजन वेका पाछे लाग्या जाय था लोक वेद की साथ पेंडा में सतगुरु मिले तो दीपक दीनो पहले ये मन काग था कभी पहले ये मन काग था जीवन करता घात अब मन ये हंसा हुआ तो चुग चुग मोती खा प्रभु की प्यारी साध संगत जी आज ये सत्संग का आयोजन सत्संग में तीन दिन से श्री गुरु ग्रंथ साहिब आचार्य श्री गरीब साहिब की वाणी का यह अखंड पाठ चल रहा था और ये वाणी पाठ करने का कराने का महत्व यही है कि ये वाणी संतों की आत्म कल्याण के लिए उनकी अपनी अनुभव वाणी वो परमात्म रूप सत्पुरुष संत रूप में आकर के संसारी भूले भटके रूहों को सन्मार्ग दर्शाने के लिए अपनी अमृतमय वाणी मुखारविंद द्वारा उच्चारण करके हम सबको मार्गदर्शन कराते हैं। सिर्फ गाने की बात नहीं है, गाजा बाजा ही सब कुछ नहीं है, ये जो कुछ धुन है, ये जो साज बने हैं, ये भी अंतर की ही है ध्वनि है। बाहर अंतर की पिंडे सो ब्रह्मंडे, अंतर की ध्वनि को सुनकर के मानव ने इसकी खोज करके बाहर ये बना दिए। चाहे कोई भी साज है, कोई आवाज है, ढोलक है, घंटा है, शंख है, निगारे है, वीणा है, ये सब अंदर की ही उपज है। अंदर में ये बाजा बाज रहा है हर वक्त हर घड़ी, अंदर में अखंड आरती हो रही है, अंदर में अखंड पूजा हो रही है। वो मंदिर, ये जो चलता फिरता मंदिर मालिक का, उस साईं का, उस धनी का बनाया हुआ है, इसकी अंदर सब कुछ
मौजूद है, पिंडे सो ब्रह्मंडे। तो अपने पिंड में ही, अपने इस पिंड को हो, इसको चाहे मंदिर कहो, इसको चाहे देवल कहो, इसको चाहे मस्जिद कहो, इसको कुछ भी गिरजा बनाओ, इस शरीर का नाम अपनी अपनी भाषा के अनुसार, चाहे इसको शरीर कहो, इसको चाहे घर कहो, इसको झोपड़ी कहो, इसको चलता है वो जीव, अपने उस निजानंद में जागृत हो जाता है। ये झूठा जो दुनिया का आनंद है, दुनिया का सुख है, इसको झूठ समझ लेता है। मनमति से इस संसार के अंदर, जब माँ के गर्भ से आया, संसार के अंदर फंस गया, संसार के सुख को सुख मानने लग गया, और जो अपना शाश्वत सुख, सच्चा सुख, उसको भूल चुका। संत सद्गुरु अपने निज आनंद में जागृत करते हैं, और सच्चिदानंद में जागृत करते हैं, परमानंद में जागृत करते हैं, जो के मिलके कभी बिछड़े नहीं। दुनिया का सुख जितना भी है, मिलता है, सुख होता है, जब बिछड़ता है तो दुख होता है, क्योंकि बाहरी सुख है वो, पराया सुख है वो, दूसरे का सुख है वो, लेकिन अपने अंदर में जो अपना निज सुख है, निज सुख आत्म राम है। अपना सुख निज का मतलब अपना आत्मा राम, परमात्मा और सच्चिदानंद, वो अपने आनंद है, अंदर है, और वो सब सुखों का भंडार है। ये सारी सृष्टि जितना कुछ संसार के अंदर देख करके प्रसन्न होते हैं, किसी को सुनकर के, बाहर के गाजे बाजे को सुनकर के बड़े मोहित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, बाहर के भोग पदार्थ खा करके बड़े आनंदित हो जाते हैं, लेकिन वो कितनी देर का है, वो क्षण क्षण भंगुर, थोड़ी सी देर का है वो। जब लग सुनते रहेंगे बाहर के तो वो आनंद है, और जब वो सुनना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो बाजा गाजा जितने बाहर के हैं या बाहर के जितने दृश्य हैं, ये थोड़ी सी देर के अंदर बदलाव आ जाता है, परिवर्तनशील है, बनने और मिटने वाला है, लेकिन जो अंदर में आत्मा राम, वो सच्चिदानंद, वो परमानंद है, वो हमेशा, वो आनंद कभी भी घटता बढ़ता नहीं, एक रस रहता है। उसकी ओर संत सत्पुरुष हमेशा समय समय पे आकर के हम सबको प्रेरित करते हैं कि तू अपने आप में जाग जा, परमात्मा का सिमरण कर, परमात्मा का भजन कर, तू परमात्मा की याद में रहेगा तो वो तेरे को एक दिन वो सच्चा सुख, वो शाश्वत सुख, वो स्थाई सुख मिलेगा, फिर कभी भी तू परेशान या दुख नहीं उठाना पड़ेगा। और बार बार, और ये भी अब मानव के चोले में ही, बार बार नहीं, और योनि सबके अंदर परमात्मा की ही पावर काम कर रही है, परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, परमात्मा की शक्ति बगैर कुछ भी, तेरी सत्ता के बिना, हे प्रभु मंगल मूल, पत्ते तक हिलता नहीं तो खिले न कोई फूल, उसकी ताकत के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसकी ही पावर से, उसकी ही सत्ता से सब कुछ ये दिख रहा है, डोल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, और ये हरियाली या जो चवन जो बहार है, ये सब परमात्मा की सत्ता है, उसी की झलक है। और वो बाहर हम जो देख रहे हैं, वही हमारे सत्पुरुषों ने अंदर में अपने आप सत्पुरुष रूप अवतार आकर के, हम साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, जुगा जुगी दे धारते सदा चलाए पंथ, जीवों को भूले भटके रास्ते से मोड़ करके, और सदैव सीधे पंथ का मतलब रास्ता, सीधे रास्ते पर चलाने के लिए संत सदगुरु सदगुरु आया करते हैं, और संत सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर जो चलता है वो प्राणी सदा मुक्त, जीवन मुक्त का आनंद लेता है। इसलिए हमारे सत्पुरुषों ने ये मन, अपनी मनमति से पता नहीं कहां कहां गंदगी के अंदर, जैसे काग कितने ही अच्छे पदार्थ रखे हों, लेकिन काग का स्वभाव विष्ठा में भी चांच मारना है, विष्ठा पड़ा होगा तो विष्ठा में भी चांच मारेगा। ये मन जो है, अपनी मनमति से पता नहीं कहां कहां, जहां कि नहीं बैठना चाहिए वहां बैठ जाता है, जो कुछ नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है, नहीं जाना चाहिए वहां चला जाता है, नहीं कुछ खाना चाहिए वो खाता रहता है, नहीं कुछ पीना चाहिए वो पीता रहता है, नहीं कुछ देखना चाहिए वो भी देखता रहता है, उसकी भी देखने की इसके लालच बना रहता है ये। और जब गुरु के वचन पर चलता है तो केवल एक अपने उस
इलाही नूर उस परमपिता परमात्मा के जब दर्शन हो जाते हैं, गुरु के वचनों पर जब चलता है, तो फिर उस उसके बराबर संसार के अंदर वो अनुपम है। संसार की वस्तु कोई भी उदाहरण नहीं दे सकते कि उसका सुख या उसका स्वरूप, उसका आनंद कितना है। संसार की वस्तु उसके बराबर नहीं है। इसलिए शरण सद्गुरु की ग्रहण करो, संतों के वचन पर अमल करो। वो साईं, वो धनी, वो मालिक, वो परमपिता परमात्मा, उसको पति कहो, परमेश्वर कहो, कुछ भी कहो, वो अपना हब सब के पास है और सब ही सबके पल्ले लाल है, सब ही मालो माल, गांठी खोल परख्या नहीं तू या विध कोई भयो कंगाल। अपने सबके पास वो परमात्मा रूप, वो लाल, वो आनंद, वो सच्चिदानंद, अखंडानंद, परमानंद आप सबके अंदर विराजमान है। तो उससे मुड़ करके ही झूठे सुख में लगा हुआ है, तो संसार से मुड़ करके अपने आप में स्थित हो जाओ और अपने उस सच्चिदानंद को प्राप्त करो। लेकिन सिमरन उसका ही होगा, जब ही तो सिमर 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 सुख पाऊं, काल जाल या तन माही मिटाऊं। अब सिमरन से ही, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कबीरा जाने राम जन, सुमरन सुम कुछ नाए। क्योंकि हम जिसका सिमरन करेंगे वही तो हमारे समक्ष आएगा, वही तो हमारे सामने आएगा, वही तो चित्र हमारे सामने आएगा। तो हम साईं का सिमरन करेंगे, मालिक का सिमरन करेंगे, उस धनी का सिमरन करेंगे, तभी तो हम उसका दर्शन पा सकेंगे। और जब लग उसका दर्शन नहीं होगा तो तब लग कैसे शांति मिलेगी। ये मानव का शरीर बार बार, ये देह नहीं और देह घनी, नितानंद इस देह में सुमरो राम धनी। इसलिए साहिब कबीर जी एक भजन में कहते हैं, हाँ तो भजले रे सरजन हार, सुघड़े तने पाए के भजले रे सरे जनहार, सगड़ तने पाए के रे तू भजले रे सरे जनहार, सगड़ तने पाए के। काहे फिरो अचेत कहाँ ये अवसर पे हो, बहुड़ना ऐसी देह कहाँ तुम मोसर पाहो जी। अचेत कहाँ ये अवसर पे हो, बहुड़ नहीं ऐसी देह फिर पीछे पछता हो जी। लख चौरासी जून मेरे मानस जन्म अनो, भजले रे सरे ज
इतना उत्तम तन मिला हुआ है, इतना बढ़िया शरीर तेरे को मिला हुआ है। जा देही को देवा लोचे सो देही तय पाई, अब तो राम सुमर मेरे भाई, अब तो राम सुमर मेरे भाई। इस देही को देवता भी लोचते हैं, भज ले रे सर्जन हार, चलते रहो थोड़े थोड़े। काहे फिरो अचेत, फिर कहा अवसर पे हो, अब चेत जाओ अचेत ना रहो, ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। काहे फिरो अचेत, फिर कहा अवसर पाहो, फिर ना ऐसी देह फिर पीछे पछताओ, कि ये मनुष्य का शरीर फिर नहीं मिलेगा, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। लक्ष 84 योनिवी में मानुष जनप अनूप, अनूप का मतलब उपमा से रहित, इतना श्रेष्ठ चोला है, इतना उत्तम चोला है, बड़े भाग्य से मिला है। और ताही पाए नर चेतत नाही, कहां रंक कहां भूख, ये भी मिल गया, परमात्मा की कृपा हो गई, और फिर भी ये इंसान चेतता नहीं। चाहे रंक है गरीब है, और चाहे कोई राजा है, गरीब है वो भी दुखी, राजा है वो भी दुखी, सब परेशान हैं। क्यों? झूठे सुख में फंस गए, अपने निज आनंद को भूल गए। इसलिए साहिब कबीर फरमाते हैं, अरे भज ले तू सरे जनहार सघड़, तने पाय के रे में रहो कहो मैं भज हूं तो ही, गर्भवास में रहो कहो मैं भज हूं तो ही, हाँ गर्भवास में रहो कहो मैं भज हूं तो ही, निस दिन सुमरो नाम कष्ट से कढ़ो मोही ओरी, गर्भवास में रहो कहो मैं भज हूं तो ही, निस दिन सुमरो नाम कष्ट से कढ़ो मोही ओरी। चरण कमल लो लाय के जिमनिस्तन सुमरोला, तनिक न तोयता मेरे की जाए सगड़ तने पाय के रे तू बजले रे सरे जनहार सगड़ तने पाय के। तो ही जब ये जीव गर्भवास में होता है, उस समय उस आपत्ति के अंदर, उस संकट के अंदर पुकार के कहता है, मालिक ऐसा ही मेरे को बाहर निकाल, मैं तेरा नाम सुमरण करूंगा, तेरा ही भजन करूंगा। गर्भवास में रहो कहो मैं भज हूं तो ही, निस्दिन सुमरू नाम कष्ट से काढ़ो मोही,
कि हमेशा ऐ मालिक मैं तेरा नाम जपूंगा, इस कष्ट से बचाओ, इस कष्ट से निकालो, और तेरा ही ध्यान में रहूंगा। चरण कमल लो लाए के नित रहूं नाम लो लाए, पलक ना तो ही विसार हूं, ये तन रहे तो जाए, ये तन चाहे रहे चाहे जाए, मैं मालिक तेरे को एक पल भर भी नहीं भूलूंगा, मेरे को नग नरक से निकाल। लेकिन भूल गए आकर के, इसलिए याद दिलाते हैं संत, अरे भजले तो सर जानहारे सघन तने पाए गिरे तू, भजले सर जानहारे सघन तने पाए गिरे। पियो करार काट गुरु बाहर की ना, भूल गया वे बात माया के भया अधीना, तूने इतना किया करार काट गुरु बाहर की ना, भूल गया वे बात भया माया अधीना दी। उधर की यान पड़ी सुधे हर बारह वर्ष बीत गए ऐसे खेलत फिरे तू यके तू सुधर तने पाय के तू भजले रे सरे जानहार सुधर। तूने गर्भ में इकरार किया था, इतना किया करार गुरु बाहर काटा उस मालिक ने, छुड़ाया नरक से, और यहां करके भूल गया उस बात को, माया के अधीन हो गया, दुनिया के अधीन हो गया। उधर में जो करार किया, वादा किया, भूली बाता उधर की आन पड़ी सुध एत, यहां पर बस देख करके चहल पहल को इसी के अंदर फंस गया, अपने आप को भूल गया, अपने मालिक को भूल गया, अपने कॉल को भूल गया। 10-12 बरस तक ऐसे ही खेल कूद के अंदर अचेत घूमता रहता है। तो याद दिलाते हैं संत, अब चेत ले भाई, अरे भजले तो सरे जनहार सघड़े तने पाय गिरे तू, भजले रे सरे जनहार सघड़े तने बन समान देह जो बन मदमाती, विषये बन समान देह जो बन मदमाती,
देखत चलता छाय कमकर बोले बातियो जी। अरे किसिए बान समान बोलता, किसिए बान समान दे जो बन मदमाती। देखत चाले छाय तमक के बोले बातियो जी। चौवा चंदन लगाय केरे पहने वसन रंगा, और गलियां गलियां झांकी मारे, गलियां गलियां झांकी मारे पर तेरिया लख मोसका ये सुगड़े तने पाय केरे तू भजले रे सारे जनहार। समान विषयों को ऐसा समझो जैसे बाण लगे तीर, विषय रूपी बाण लगे ऐसी कुमति आ गई। देह जोबन मत माती, शरीर जवान हो गया। विषय बाण समान देह जोबन मत माती, जोबन के नशे में चलता है। देखत चलता छाए तमक के बोले बाती, शरीर की छा देख करके टेढ़ा मेढ़ा और बात करता तो बड़ा तरक के बोलता है, नशे से बोलता है, गर्व से बोलता है। चौवा चंदन, आजकल तो हम देखते हैं ये माया बाया भाई भी सब बराबर आ गए। एक खुशबूदार तेल ऐसा लगा के आते हैं, हमारे तो इस दिन दिमाग फटने को हो जाता है जब मत्था टेकने आते हैं। लेकिन अंदर क्या भरा है तुम्हारे, विचार करके देख लो। ये ऊपर से कली लगी हुई है, ये खुशबू कहां से आई है? उस परमात्मा के नाम, उस शब्द से सारा पसारा बना हुआ है, उस शब्द की रचना है, उस नाम की रचना है। जहां से खुशबू पैदा होती है वो छोड़ दिया और बाहर ऊपर शीश मैल के थैले के ऊपर खुशबू लपेट करके अपने आप को बड़ा महकदार बनता है। विषया बान समान देह जो बनमद माती, देखत चाले छाए तमक कर बोले बाती। चौवा चंदन लगाए और वर्त वस्त्र बहुत रंगीले बहुत चमकीले। अरे भीतर क्या भरा है, ऊपर से तो चमक के पहन रहे हो। पहरे वसन रंगाए, भीतर तो गंदगी का थैला है और क्या है, गंदगी ही तो भरी है। दसों द्वारों से मैल निकल रहा है गंदा, सभी नाले गंदे चल रहे हैं और ऊपर से खुशबूदार तेल लगा करके बड़ा पवित्र बन रहा है। लेकिन जिससे सब कुछ बना वो परमपिता परमात्मा सुख कंद आनंद कंद उसको भूल रहा है। वास्तविक तो खुशबू वही है। आज उन सत्पुरुषों की खुशबू जब लग संसार रहेगा उनकी खुशबू अटल रहेगी जिन्होंने नाम जपया है।
एक भोली भक्तनी थी, भोली भक्तनी एक शहर में, एक देश में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, और उस देश के जो बादशाह था, उस देश का नगरी का राजा था, उसको कोई पता नहीं था, क्योंकि राजा तो राज के मद में होते हैं, वो उनको क्या पता। जाते तो हैं, पहले तो ढोल के राजे, पेट के राजे थे, उन्होंने तो परवाह ही क्या थी। आज ढोल के राजे जाते तो हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, गुरुओं के पास भी जाते हैं, पर सिर्फ किसके लिए? वोट के लिए, और मतलब नहीं है कोई भी। वो राज के नशे में होते हैं। वो राजा उस देश में गया, दूसरे देश में, दूसरे देश के अंदर उस भक्तनी की बड़ी ख्याति फैली हुई थी, बड़ी प्रशंसा थी, और वो थी भोली भाली, बड़ी सादे लिबास में रहती थी, खिंडे मिंडे बाल, पाटे पूड़े, पुराने कपड़े, मैले कचूले, नहाली तो नहाली नहीं, नहाई तो ना नहाई, पैरों में टूटी जूती मिल गई तो ठीक, ना मिली तो ठीक, लेकिन मालिक के नाम के अंदर डूबी हुई थी। वो उस देश का राजा जिसमें वो भोली भक्तनी थी, दूसरे देश में गया, और वहां जाते उस राजा ने कुछ नहीं पूछा, उसने पूछा कि आपके नगर में एक बहुत भोली नाम की भक्ता है, एक भक्तनी है, वो कैसी है, उनका क्या हाल है, और कुछ नहीं पूछा। वो राजा संस्कारी था, नाम उस भक्तनी के शरण में था, उनसे दीक्षा ली हुई थी, उनके वचन पर चलने वाला था, और सदाचारी था, धर्मात्मा था, परमात्मा को याद करने वाला था। वो एकदम जिस देश में वो भोली भक्तनी थी, वो राजा एकदम असमंजस में पड़ गया कि इस देश के अंदर उसकी इतनी ख्याति, जो राजा उनके बारे में कुशलता पूछ रहे हैं, और मेरे को यह भी नहीं पता है कहां किस जगह पर है। बस वैसे उसने औपचारिकता से के रूप में कह दिया कि हाँ ठीक है, वो बड़ी ठीक है, कुशल है, मंगल है, ये है वो, चलो वहां जो कार्य करके वापिस अपने देश में आया, अपने नगर में आया। उसके कई रानियां थी, उन्होंने वजीरों से अमीरों से कहा कि भाई यहां अपने कोई भोली भक्तनी नाम की कोई भक्ता है, उनका निमंत्रण है, और उनको यहां दरबार में बुलाओ, यहां महलों में बनाओ, और उनका सत्कार करो, उनका आदर करो, उनका स्वागत करो, जो कि दूसरे देश में उनकी इतनी ख्याति है, और यहां कोई जानता तक भी नहीं। पता करके उनके पास गए, उन संत से, उस माता से उन्होंने आग्रह किया, निवेदन किया कि माता आपका निमंत्रण राजा की ओर से है, आप महलों में दर्शन दें। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, याद किया, चलेंगे भाई। वो तो जैसे भी जिस लिबास में थी, जैसे जिस हालत में थी, और उठ के चल ही पड़ी, और उधर से वहां की रानियां, उस महल में कई रानियां उसकी राजा की थी, और भी रहने वाले सब अपना नहाना धोना, श्रृंगार करना, अपना तेल वेल छिड़कना, ऊपरा क्या नाम है ये, खुशबूदार इत्र वगैरह छिड़कना, चंदन लगाना, वो शुरू कर रखा है। वस्त्र कोई कहीं जब देखिए कोई फर्क ना हो जाए, उसके स्वागत में खड़े हुए हैं, लगाते हैं सभी आजकल तो, क्योंकि पैसा खूब हो गया लोगों के पास, और थोड़े से नौकरी पैसा लग जाता है, तो काखों में पाउडर न्यारा मारे हैं, ऊपर न्यारा मारे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, और भीतर से बदबू आती है। उन्होंने अपने तैयारी पर ही भी भक्तनी का स्वागत करेंगे, सभी रानियां बड़ी खूब तैयार होकर के आगे आए, और उधर से कहा कि भक्तनी दरबार में पहुंचने वाली है, तो आगे खड़ी हो, तो बेचारी सीधे सादे लिबास में थी, तो जिस हालत में थी उठ करके आ गई, खिंडे बाल, पाटे कपड़े, मैले, और पैरों में जूती भी नहीं, उसकी हालात को देख करके कहीं थोड़ी बहुत लाल भी लगी हुई, लार जो पड़ती है ना, ऐसे मस्त रहती थी वो, तो अपने नाम में डूबी हुई, मालिक के नाम में डूबी हुई रहती थी। उसको देख करके वो रानियां
कि भक्तनी आ गई, संतनी आ गई, उसको देखकर रानियां सबके नाक चढ़ गए, हाय यो भक्तनी, हाय यो भक्तनी, और नाक चढ़ गया, उल्टी उल्टी सरके घृणा करी उनने। जब उन्होंने एक बात कही भक्तनी ने, याद बिचारो, और ये बात बड़ी मार्मिक है, अरे झूठो तार थारो हार सिंगारो, बागड़ी भाषा, ए झूठो थारो हार सिंगारो, ये तन काचो बांडो, या तो हरि का भजन करो, न तो सूरी बनोगी रंडो। इसीलिए संत कहते हैं, भाई भजले तू सरे जमे हार सघरे तने पाई के रे, तू भजले रे सरे जमे हार जुआन लाजर मुखते आवे नैन नास का जुआन लाजर मुखते आवे सुधरे छुट गई घरे की आस सुधरे तने पाई के रे तू भजले रे सरे जनहार ओ भजले रे सरे जनहार सुधरे तने सुधरे तने पिता सुत नार कहो का के संग जाई मात पिता सुत नार कहो का के संग जाई तन धन घर और काम धाम सब ही छुट जाई ओ दी पिता सुत नार कहो काके संग जाई तन धन घर और काम धाम सब ही छुट जाई ओ जी यमराजा तो घेर लियो रे पड़े यमा के फंग नहीं बचोगे प्यारे समझे देख माति मन सुघड़े तने पाई के रे तू भजले रे सरे जनहार सुघड़े तने पाई के कहो कांके संग जाई जिनके लिए ये पागल हो रहा है बावरा हो रहा है दीवाना हो रहा है कौन किसके साथ जाता है किसी को देखा है क्या सभी मुख मोड़ जाते हैं सभी नाता तोड़ जाते हैं सभी रिश्ता छोड़ जाते हैं तन धन घर काम धाम सभी छूट जाई तन भी धन भी घर भी और सब काम काज और ये धाम भी सारा यही छोड़ जाता है और जब चलता है केवल अकेला और अपना जीवन में किया हुआ जो कर्म
उसके संस्कार वो फिर साथ चलते हैं, वो कभी भी बच नहीं सकता। किसके लिए? दुनिया के लिए। पता नहीं क्या क्या तूफान, क्या क्या झूठ, कितने हेरा फेरी, कितने फरेब, कितने ठगियां, और रात दिन पच पच के मरता है, लेकिन दीन गुमाया दुनी से, दीन गुमाया दुनी से, दुनी न चाले साथ, पाव कुहाड़ा मारिया रे गाफिल अपने हाथ। अब तो भजले रे सरे जनहारे सघड़े तने, ओ भजले रे सरे जनहार, यम के जाले आए पड़े तू पड़े यमा के फंद, फिर तो यम के फंदे में आ गया, छूट गया सब, मुख मोड़ गए, वापिस चल गए, तिनका तोड़ करके, तुम्हारा नहीं मैं तेरा नहीं, लेकिन अब तो यम के फंदे में आ गया। जैसे पारदी पक्षी को पकड़ के जाल में लेकर के चल पड़ता है, इसी फिर तो यम, वो यम के दूध पकड़ के चल भाई, तू बतेरे भोग भोग लिए, बतेरे तेतर फोले लगा लिए तेने, बतेरे अच्छे मलिक खा लिए, अच्छे बढ़िया, लेकिन बिन सतगुर नहीं बचोगे, बिन सतगुर नहीं बात हो रहे, समझ देख मति मंत। साहिब कबीर कहते हैं एक बचाव है सतगुर की शरण, और कोई बचाव नहीं है। चलती चाकी देख के रहे कबीरा रोए, दो पातन के बीच मेरे बाकी रहा न कोई। चलती चाकी चलन दे पीसन दे सब नाज, कोई कोई हरिजन उभरे रे किला मानी लाग। अब तो भजले रे सरे जनहार सुधरे तन पाए के रे, अब तो वो किला मानी परमात्मा का नाम है, और ये मोह माया का बड़े जबरदस्त ये पाठ है, इसी में ये सब प्राणी पिस रहे हैं। एक बचाओ सदगुर शब्द पकड़ाते हैं, सदगुर नाम देते हैं, वही किला है। सदगुर शब्द कीलड़ा साचा, सदगुर का शब्द रूपी किला, और जो उसके साथ लग गया उसका बेड़ा पार, वो इस मोह माया के इस जाल से आवागमन के चक्र से बच कर को वो अखंडानंद को प्राप्त होगा। बिन सदगुर नहीं बाच हो, समझ देख मति मंद। अब तो सुध बुद्ध ले मति मंद, तेरी मति मंदी हो चुकी है, तेरा मन गंदा हो चुका है, गंदगी के अंदर फंस गया। शुद्ध सात्विक पवित्र हरि नाम की गंगा में तू डुबकी लगा, जो तू निर्मल हो, पाक हो जाए, पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए गुरु की शरण में। भजले तो सारे जनहार सघड़े तने पाए के रे तू, भजले रे सारे जनहार, सफल हो जाए गुरु की शरण में आ भाई, देह सफल हो जाए गुरु की शरण में आ जा, तेरा जन्म मरण कट जाए नाम के पर जाता जा रे ओदी। ये लीला है मो
मुक्ति दर तू छोड़ फिरे तू जाए हराना। ये लीला है मुक्त की जी कहे कबीर मस्ताना रे सजड़ तने पाए तेरे अब अजले तू सरे जनहार। ये देह सफल हो जाएगी, गुरु की शरण में आ जा। ये दुनिया की शरण तू ले रहा है, ये दुनिया नहीं चलेगी तेरे साथ। माया की शरण तू ले रहा है, माया नहीं चलेगी साथ। काया में लिप्त तो हो रहा है, काया नहीं चलेगी तेरे साथ। इसलिए है जीवात्मा तू परमात्मा का नाम सिमर, सदगुरु की शरण में जा। तो साहिब कबीर यही कहते हैं तो अब तू सर्जन हार उस परमात्मा का नाम भज ले तो तेरा कल्याण हो जाए, ये देह सफल हो जाए, धरती पे आया मानव का चोला सफला हो जाए।